वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंपल सी कुछ स्किन केयर मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर 20s। सिंपल सी कुछ चीज़ें बताऊंगी जो बहुत सारे लोग नोटिस भी नहीं करते हैं, तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है ट्राइंग डिफरेंट नेचुरल रेमेडीज। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि आई एम अ किचन बेबी, मैं बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज करना पसंद करती हूँ, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अभी मैं उतना नहीं करती। पहले मैं ऐसी थी कि मुझे सातों दिन कुछ ना कुछ दे दो मैं लगा लूँगी, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, वो तो अभी भी पसंद है, लेकिन अब मैं उतना नहीं करती। पहले मैंने ये रियलाइज़ किया अभी ये कंपैरिजन में कि मैं जो सातों दिन करती थी ना, तो मेरी स्किन उसकी वजह से रेड हो जाती थी एंड इरीटेट हो जाती थी। इन शॉर्ट मेरे बोलने का मतलब ये है कि हर दिन आपको नेचुरल रेमेडीज़ ये भी लगा लो ये भी लगा लो वो करने का ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2 या 3 दिन इज इनाफ, उससे ज़्यादा प्लीज़ इतनी सारी रेमेडीज़ ट्राई मत करो। नेक्स्ट मिस्टेक जो मैं भी पहले करती थी वो है कि मेकअप को मेकअप लगाने के बाद जब अब उसे निकालने का टाइम आता है तो हम ऐसे ही बस, मैं अपना बता रही हूँ, मैं ऐसे ही बस पहले फेस वॉश करके ज़्यादा डबल क्लेंजिंग नहीं करती थी, विच इज़ नॉट गुड। जब भी आप मेकअप लगाओ तो डबल क्लेंजिंग करके पूरा हटाओ उसको, वरना स्किन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक जो मैंने बहुत पहले की थी एंड मैं नहीं चाहती कि आप वो करो, वो है कि ट्राइंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता था या फिर ट्रेंड में होता था कोई प्रोडक्ट जिसकी पैकेजिंग अच्छी दिखती है तो वो मैं ट्राई कर लेती थी। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे टीनेजर पीरियड चल रहा था तो जो भी नए नए प्रोडक्ट्स ट्रेंड में होते थे मैं उसे अपनी स्किन में ट्राई करती थी और अच्छी स्किन बनाने के लिए, लेकिन उस चक्कर में मैंने अपनी स्किन बहुत बर्बाद की है टीनेजर पीरियड में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जो आपको सूट करता है आप बस उसी को यूज़ करो, नए नए चीज़ों में मत पड़ो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, उस घंटी को भी दबाना मत भूलना ताकि मैं और वीडियोज़ लाने वाली हूँ तो आपको पता चल जाए। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना मत भूलना, मैं वहाँ पे भी एक्टिव हूँ। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।